हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं बनाने जा रही हूँ उपवास का खाना। आज है अष्टमी और अष्टमी के लिए मैं बनाऊंगी लौकी की सब्जी, उपवास वाली मतलब ग्रीन मिर्ची डाल के। और ये है राजगिरे का आटा, उसकी मैं पूरी बनाऊंगी। तो चलिए रेडी करते हैं उपवास का खाना। पहले मेरी चाय उबल रही है तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। लौकी इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लिए मैंने। ये सब्जी घी में बनेगी, घी में इसका टेस्ट अच्छा आएगा और उपवास की सब्जी है तो घी में बनाएंगे। और फिर बघार के लिए मैंने जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, कोथमीर, धनिया, हरा धनिया सॉरी, और नमक, ये सब मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए सब्जी बघारते हैं। घी है ना गाइस, मैंने फ्रिज में रखा था क्योंकि घी के बहुत सारे डब्बे आ गए हैं तो बाहर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए ऐसा जम गया है, मैं भूल गई रात को बाहर निकालना और इस तरह से जम गया है। क्योंकि उपवास का खाना है तो मुझे नया डब्बे में से घी निकालना था। अब मुझे पूरी भी इसी में तलनी है राजगिरे के आटे की, अभी कब पिघलेगा पता नहीं। इस तरह से सब्जी में बघार चुकी हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अरे एक बड़ा सा जोक हो गया मेरे साथ। क्या हुआ, आज मुझे सुबह मॉर्निंग में ऑर्डर था, एक को रेडी करना था एक क्लाइंट को। तो रात को उसका फ़ोन आया था पर मैं रात को भी यहाँ पे गरबा के लिए सबको तैयार कर रही थी तो मुझे लेट हो गया था, तो मेरे दिमाग में से निकल गया। फिर आज अष्टमी का उपवास था तो उपवास का सब खाना बनाने का था तो मैं वो तैयारी में लग गई और मैंने थोड़ा सा शूट किया, स्टार्ट किया खाना बनाने को और सब्जी बघारी। और उतने में वो क्लाइंट का फ़ोन आया कि आप आ रहे हो ना, मैं पहुंच रही हूँ 10 मिनट में। ओ गॉड, मैंने बोला अब मैं करूँ क्या, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से वो सब्जी कच्ची डब्बे में भरी, बघारी हुई थी डब्बे में भरी और लेके आ गई हूँ। और राजगिरे के पूरी का आटा साना हुआ था तो वो आटा भी मैं एक दूसरे डब्बे में भर के लेके आ गई हूँ और अब मम्मी के यहाँ दे दूँगी और मम्मी को बोलूँगी अब इसको इसको आगे का प्रोसीजर आप करो और बना लो, रेडी कर लो। और अच्छा हुआ वो तो उसने फ़ोन किया, नहीं तो वो पार्लर पे आके खड़ी रहती तो मैं कैसे पहुँचती थी 10 मिनट्स में। तो गाइज अब वो रेडी होके चली गई है और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो गाइस चलिए मम्मी के यहाँ चलते हैं और टिफिन के डब्बे मम्मी को देते हैं ताकि मम्मी उसको प्रॉपरली आगे का प्रोसीजर करके बना ले। और मम्मी को देती हूँ पार्लर से थोड़ी देर, क्योंकि अभी तो 9 भी नहीं बजे हैं गाइस। तो मम्मी को मैं दे देती हूँ दोनों डब्बे मतलब आटा और वो सब्जी। तो मम्मी के यहाँ जाके अभी मैं ही थोड़ा सा कर लूँगी शायद, तो या मम्मी बोलेगी तो मम्मी कर लेगी। तो चलिए गाइस मम्मी के यहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं मम्मी के यहाँ आ गई हूँ और देखिए मैंने कुकर में सब्जी चढ़ा दिया है। सब्जी अब कुकर में फटाक से बन जाएगी और ये कढ़ाई मैंने रखी है, अब इसमें घी रखूंगी और मैं पूरी तल लूंगी और फिर मैं अपना डब्बा भर के लेके चली जाऊंगी। गाइज हम ब्यूटिशियन की जॉब ऐसी ही रहती है, भागम भागी मची रहती है। तो गाइज मेरी सब्जी हो गई है और अब मैं पी रही हूँ चाय मम्मी के साथ। मैंने और मम्मी ने चाय बना ली है और मम्मी अब अपनी दवा ढूंढ रही है। आ गया मम्मी का थैली दवाई का। मम्मी तो उपवास में कहीं खावा ले ले तो मम्मी अभी दवा खाएगी, इसलिए थोड़ा सा वेफर वगैरह कुछ खा लेगी, उपवास का चिवड़ा वगैरह। और उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा उपवास है और मैं दोपहर को एक टाइम नमक खाने वाली हूँ ना, तो मैं अब नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। पार्लर में बंद करके आई हूँ अब इस मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए और बस
अभी थोड़ा सा पूरी बनाती हूँ, आटा सान के लेके आई हूँ, पूरी बनाती हूँ और फिर चलती हूँ पार्लर पे। मम्मी अपने लिए नाश्ता निकाल रही है। गाइज मेरा पार्लर मम्मी के घर से एकदम पास में है, पर मेरा मम्मी के घर पे रुकना कभी होता ही नहीं है। आज लकीली मेरा ऑर्डर था और वो भी मैं भूल गई थी, तो मुझे आना पड़ा मम्मी के यहाँ। और ऐसे मैं रोज़ एक विज़िट देती हूँ मम्मी के यहाँ, लेकिन ऐसे भागती भागती विज़िट देती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा रुक के चाय भी पी रही हूँ, अच्छा लग रहा है। गाइस चलिए हम लोग पहले चाय पी लेते हैं। गाइस इस तरह से मैं राजगिरे की पूरी बना ले रही हूँ और जल्दी से डब्बा लेके पार्लर पे जाती हूँ। तो गाइस इस तरह से मैंने पूरी बना ली है, मेरी पूरी बन के रेडी है। तो सब्जी और पूरी बना के मैं मम्मी के यहाँ से आ गई हूँ पार्लर पे एट लास्ट। और 5 मिनट्स बैठती हूँ क्योंकि खूब गर्म हो रहा है, और उसके बाद साफ़ सफाई का काम करती हूँ। गाइस कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये फर्स्ट टाइम इतने साल में, मैं 20 साल से पार्लर चला रही हूँ, लेकिन इतने साल में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ऑर्डर हो और भूल गई हूँ। आज पहली बार मेरा ऐसे हुआ है कि ऑर्डर था और मैं भूल गई, क्योंकि दिमाग में बाकी सब भी बहुत काम चलते रहते हैं। अष्टमी का उपवास था, मंदिर, आज मैं मंदिर भी नहीं जा पाई मंदिर को। अब रात को मंदिर जाऊंगी, हवन है मंदिर में, तो रात को मंदिर जाऊंगी। और आज मुझे अपने आप पे खूब हंसी आ रही है कि कितने दिमाग क्यों नहीं चला मेरा इस तरह से, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। चलिए चलता है, कभी कभी होता है ऐसा। गाइस आप मुझे बताइए आपके साथ कभी ऐसा कुछ ट्रेजेडी हुआ है क्या? अगर हुआ है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं भाग भाग के घर पे आई हूँ, देखिए गर्मी में मैं कितनी पसीने में तरबतर हो गई हूँ। अरे ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। आज मैंने क्या किया, मोटर मॉर्निंग में चालू किया और उतने में वो क्लाइंट का फोन आ गया, तो मैं भाग भाग के ऐसे ही सब छोड़ के भागी ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने मोटर चालू रख दी तो मोटर ट्रिप हो जाएगी इतनी महंगे में, कि पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, मतलब टंकी में पानी ऊपर चढ़ता है, नीचे से मोटर चालू करते तो ऊपर पानी चढ़ता है, तो मैं इस तरह से मोटर मुझे लगा के चालू रह गई है। और उस टाइम ना लाइट गई थी, जब मैंने मोटर चालू की ना मॉर्निंग में और लाइट गई थी, तो मुझे ऐसे लगा शायद लाइट चली गई होगी, इसलिए मुझे ध्यान में नहीं आया होगा मोटर बंद करना और मैं चली गई, तो मोटर ट्रिप हो गई होगी। पर लकीली मैंने मोटर चालू ही नहीं की थी, मुझे ऐसे लगता है लाइट तो गई थी, मैं निकली तभी भी लाइट नहीं थी। तो आके देखती हूँ तो नसीब के सिर्फ स्टोर रूम में मोटर रखी है ना, तो स्टोर रूम का दरवाजा खुला है लेकिन मोटर बंद है। मैं इतना डर गई, मैं ऐसे भाग भाग के आई हूँ, पूरा पसीने में तर बतर हो गई हूँ। अरे आज ऐसा क्यों हो रहा है मॉर्निंग से मेरे साथ, पता ही नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। चलिए अब चलती हूँ फिर से पार्लर, इतना भाग भाग के आई और इतनी फास्ट में गाड़ी स्कूटी चला के आई कि पूछो मत। सिग्नल पे भी मैंने बहुत बहुत ओवरटेक करके आगे लेके गाड़ी चलाई है, मुझे लगा आज गई मेरी मोटर की वाट लग गई, और उसके बगैर तो मेरा पानी फिर ऊपर की टंकी में चढ़ेगा ही नहीं, और मैं किसको बुलाऊंगी रिपेयर करने के लिए, जय छुट्टी कब लेंगे कब आएंगे, उतने दिन तो पानी चलेगा नहीं विदाउट मोटर। तो चलिए ठीक है, सब कुछ सेफ है, तो निकलते फिर से पार्लर पे। अरे ये आ जाओ इधर आओ, स्कूल में क्या किया आपने, स्कूल में क्या किया, क्या किया स्कूल में मुझे दिखाओ, इधर आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, जल्दी से आओ,
गाइस मैं भाग भाग के आई हूँ, इन लोग भी चले जाते थे, यही सोच सोच के मैं घबरा गई थी कि बच्चे लोग भी स्कूल से आ जाएंगे, बस आ जाएगी, तो बस मुझे रास्ते में ही मिली। पियो आओ दिखाओ, सबको हाय बोलो। देखो मैं, हाँ मैं गरबा के लिए गया था, मैं गरबा के लिए गया था। हाँ गरबा डांडिया, आओ झीलू यहाँ आओ साथ में। ए मारी मोटरसाइकिल नी चावी छे नी पासे, निकिता ले तो मोटरसाइकिल नी चावी छे नी पासे। अरे नहीं छे मारी पासे छे। आज तो मेरी वाटी लग गई मेरी सब। चलो दिखाओ आपकी ये मोजड़ी कैसी। अरे वाह कितना मस्त है, मेरा बच्चा तो तैयार हुआ है गरबा के लिए। वाह और झीलू भी कितनी मस्त तैयार हुई है गरबा के लिए, है ना झीलू? देखो बेटा, अरे वाह क्या चाहिए आपको। अरे दिखाओ आपका चूड़ी दिखाओ। ओहो देखो देखो झीलू का चूड़ी देखो कितना मस्त है। बाबू मैं कितना दौड़ दौड़ के आई आप लोग के लिए पता है। पियो बाय। ए प्रियांश बाय। तो गाइस बस पार्लर खोल दिया है और अब पार्लर पे बैठी हूँ। गॉड आज ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। गाइस मैं मोटर चालू की थी मैंने और लाइट चली गई, लाइट चली गई और फिर बाद में मुझे क्लाइंट का फ़ोन आ गया तो मैं भाग भाग के आ गई। आज तो मेरी हालत, मेरा फेस भी ना ही मैं आपको दिखाऊं तो अच्छा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा आप सभी को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को, सबको हैप्पी दशहरा। और गाइस कल तो बहुत बड़ा कांड हो गया, मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीत रहा था। आज नेक्स्ट डे है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। और शाम को फिर क्या हुआ पता है, मैं प्रियांश और झीलू का थोड़ा गरबा का वो ड्रेस वगैरह वो सब शूट कर ली, उसके बाद मेरी जो तबीयत बिगड़ी है, धूप में दौड़ दौड़ के गई थी ना मैं घर पे मोटर देखने के लिए, तो मेरी तबीयत पूरी तरह बिगड़ गई थी। मुझे उसके बाद ना जो 5 बजे से वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है गाइस, एक क्लाइंट आ रही है उसका जैसे वैसे मैं आईब्रोज कर रही हूँ और फिर से मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। तो मैं जैसे वैसे वॉमिटिंग करके आ रही हूँ, वापस से दूसरी क्लाइंट आ रही है वापस से, क्योंकि आज दशहरा था तो आज रश भी था पार्लर पे। पर मेरा तबीयत ही, मुझे सब पसीना आ रहा था, एसी फुल चालू था पर फिर भी मुझे इतना पसीना आ रहा था कि ना पूछो बात। और बस क्लाइंट के जाते ही मैं जल्दी से दौड़ती थी बाथरूम में और वॉमिटिंग, इस तरह से मुझे 4 से 5 बार वॉमिटिंग हुआ। कल तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, फिर मुझे 8 बजे जैसा थोड़ा बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो एक क्लाइंट आई उसको बैक मसाज चाहिए था, तो बैक मसाज के लिए मतलब वो आई ना तभी मेरा दिमाग ठनका थोड़ा, क्योंकि वो ना हेड मसाज भी करवाती तो उसको बहुत ज़ोरों ज़ोरों से मसाज चाहिए रहता है और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी कल, तो मैंने किया उसको। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए था उसको, उसका पूरा शोल्डर वगैरह ना रेड रेड हो गया, पर फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। बोलता है मुझे बहुत, बोलती है मुझे बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, आप ज़ोर से प्रेस करो। उसका ज़ोर से प्रेस करने के चक्कर में ना मेरे दोनों हाथ इतने दर्द करने लगे कि पूछो मत। फिर मुझे तो गाड़ी चलाने को, बाइक चलाने को भी नहीं हो रहा था, इतने मेरे दोनों हाथ दर्द करने लगे। और फिर भी उसको कोई सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं। मैंने उसको बोला तू एक डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन ले, पेन रिलीफ ले, या फिर नहीं तो फिर एक कॉम्बिफ्लेम वगैरह कुछ भी खा तो तुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं कितना भी तुझे ये करूँगी ना, दबाऊँगी तो भी तुझे अच्छा नहीं लगने वाला है। तो फिर उसके जाते फिर मैं जैसे वैसे आई घर तक, फिर मंदिर में गई, क्योंकि मॉर्निंग में मैं मंदिर में नहीं गई थी, मॉर्निंग की भागम भागी में, तो मंदिर में गई और वहाँ पे हवन चालू था। पर गाइस क्या मालूम दिमाग ऐसे कल घुमा था, कल का दिन तो पता नहीं, कल का दिन बहुत ही ये था, दिमाग इस तरह से घुमा था कि मैं वो शूट करना ही भूल गई, नहीं तो मैं हवन का दर्शन करवाती हूँ। अभी जाते जाते देखती हूँ कल का हवन वहाँ है या उठा लिया उन्होंने मंदिर में से, तो मैं ज़रूर अगर होंगे तो दर्शन कराऊंगी आपको। तो इस तरह से था मेरा कल का दिन,
गाइस, जो मैं आपके साथ शेयर करी पूरा ये सच में इस तरह से मेरे मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार इस तरह से हुआ कि मैं सब कुछ भूल रही थी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं पार्लर पे और एक बार फिर से आपको हैप्पी दशहरा। आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है और अच्छे से हूँ। तो गाइस, अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए और मिलते हैं फिर बाद में। ओके, और हाँ गाइस, मैं आज सुबह क्या हुआ पता है, मैं आपको बताना ही भूल गई क्या हुआ। मैंने ना हमारे प्रेस वाले भैया को बोला था कि कोई मजदूर होगा ना तो उसको भेजना, मुझे ये झाड़ है ना बहुत बाजू वाले बंगले का झाड़ पूरा पेड़ पूरा हमारी साइड आया हुआ है तो मुझे वो कटवाने का है, तो आप किसी को कोई मिले ना तो भेजना। तो उन्होंने ना दो लड़के लोग को भेजा, तो मैंने उनको बताया कि ये झाड़ काटना है और थोड़ा सा आंगन को साफ कर देना है। तो पता है उन्होंने कितना बोला, मुझे बोलते 1000 रुपीज। मैंने बोला अरे यार, पैसे की कोई वैल्यू है क्या, नहीं 1000 रुपीज जितना काम ही नहीं है। वो 1000 रुपीज मांग रहे मुझे, तो थोड़ा सा छाटनी करना है जो वो भी दूसरे के प्लांट है, दूसरे के वो झाड़ पूरा पेड़ पूरा हमारी साइड आया हुआ है तो उसे थोड़ा सा छाटनी करना है, पूरा काटना थोड़ी है। और मैंने बोला नहीं भैया जाओ आप, मुझे नहीं परवड़ता 1000 रुपीज में। 1000 रुपीज देना बोला तो आधे घंटे का भी काम नहीं है, 1000 रुपीज के लिए मैं पूरा दिन पार्लर पे खटती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ और प्ले स्कूल के बच्चे कितना परेशान करते हैं, उनको हैंडल करती हूँ और भागम भागी मची रहती है मेरी। देखा ना आपने मेरा दिन कैसे बीतता है। तो मैंने बोला जाओ भैया, मैं दूसरे किसी को ढूंढूंगी, थोड़ा सा छाटनी तो करना है, कोई भी 200 रुपया लेके मुझे छाटनी कर देगा या फिर मैं नगर पालिका में जाके कंप्लेंट भी लिखवा दूंगी ना, तो वो लोग भी आके वो काट देंगे क्योंकि वो बंगलो तो पूरा बेवारसी पड़ा हुआ है। तो गाइस, ऐसा सब हो रहा है मेरे साथ चलिए आज तो अच्छा दिन है दशहरा, अब सब शुभ शुभ ही होगा, अब कोई परेशानी नहीं आएगी ना मेरे साथ ना आपके साथ। तो गाइस चलिए अब चलती हूँ, निकलती हूँ। तो ये सब बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो बाय बाय, चलिए चलते हैं, मिलते हैं मंदिर में। गाइस, आज ये देवी का पिंक कलर, और आज ये देवी का पिंक कलर है दशहरे का, तो मैंने पिंक कलर का ड्रेस पहन लिया है और आप लोग भी सब पिंक कलर का ड्रेस पहनिए और देवी को खुश कीजिए। ओके, तो 9 दिन कहाँ पे बीत गए पता ही नहीं चला, रोज रोज हम सारे कलर पहन रहे थे, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, सारे कलर देवी ने हमें पहना दिए रोज के रोज। तो आज जरूर से आप सभी पिंक कलर का ड्रेस पहनिएगा, ओके, और देवी को खुश कीजिएगा। गाइस देखिए, मंदिर के बाहर ये कितनी अच्छी रंगोली बनाई है और यहाँ पे लिखा है हैप्पी दशहरा। कल यहाँ मंदिर में हवन था तो इन्होंने इस तरह से रंगोली बनाई है। पिंक डे, और देखिए देवी को पिंक कलर में सजाया हुआ है और ये 8 दिन में ये जवारे पूरे बढ़ गए हैं। ये नवरात्रि देवी बनाई थी उन्होंने, उगाए थे इसमें सब धान्य उगाए हैं, मूंग है, चावल है, सब कुछ है। तो ये 9 दिन में, 9 दिन ये देवी बनाते इस तरह से, और ये देवी इतनी बड़ी हो गई है देखिए। अब इसका आज शायद विसर्जन करेंगे।
गाइस देखने में ग्रीन इतना अच्छा लगता है ना, देखिए कितनी बड़ी हो गई है। मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था आपको कि ये उगाया है मिट्टी में इन्होंने, और अब देखिए। और देवी देखिए पिंक कलर के, तो गाइस देवी को भी हैप्पी दशहरा और हम सभी को हैप्पी दशहरा। ये है हवन कुंड, कल इसमें हवन हुआ था पर मैं शूट करना भूल गई थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसकी वजह से। तो गाइस आप ये ठंडे हवन कुंड का दर्शन कर लीजिए। आज दशहरा है और सब लोग इसको, हमारे यहाँ ये सोना है और सोना बांटते हैं, बोलते हैं राम जी इस दिन आए थे तो सबने ये सोना सबको बांटा हुआ था, लंका से सोना लूट के लाए थे ना। तो गाइस ये है सोना और मैं खरीद रही हूँ, हम एक दूसरे को ये सोना बांटते हैं। गाइस मैंने भी सोना खरीद लिया है सबको बांटने के लिए। ये पत्ते हैं, ये एक दूसरे को बांटते हैं और ये बहुत लकी पत्ते हैं, इसको सोना बोलते हैं। दशहरे के दिन ये सबको एक दूसरे को बांटा जाता है। गाइस ये फुल 50 रुपीस केजी बिक रहे हैं। यहाँ पे जलेबी बन रहा है और मैं भी रुकी हूँ जलेबी लेने के लिए। हमारे यहाँ जलेबी और फाफड़ा खाने का रिवाज है, तो मेरे पापा हमेशा लेके आते थे तो मैंने भी जलेबी और फाफड़ा खरीद लिया है। ये लो।